तो so, बच्चों नमस्कार आज हम आपकी वर्कशीट नंबर ट्वेंटी सेवन जो कि आपके लाइट लेसन से चल रही है बोथ मीडियम डिस्कस करेंगे लाइट टुडे वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर एक साधारण दर्पण जो है किस तरह की इमेज बनाता है उसके क्या क्या गुण होते हैं वो बात करते हैं इमेज जो भी प्लेन मिररर बनेगी हमेशा इरेक्ट बनेगी और सेम साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिररर कैन नॉट भी ऑप्टेंड ऑन स्क्रीन इसलिए उसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है उसको हम जो है स्क्रीन पे नहीं ले जा सकते इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर सेम डिस्टेंस उतनी ही दूरी पे नजर आएगी एंड इन द प्लेन मेर द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर लेफ्ट साइड इन द इमेज एंड लेफ्ट अपीयर राइट दिस इज कॉल लेटरल इन्वर्जन जैसे आप देख रहे हैं बच्चा अपना राइट हैंड उठा रहा है इमेज में उसका लेफ्ट हैंड दिख रहा है कैन यू अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज तो एम्बुलेंस इसलिए लिखा होता है उल्टा ताकि सामने वाले फ्रंट में जो गाड़ी जा रही है उसके मिरर में जब देखा जाए तो उसको सीधा नज़र आए और उसको रास्ता दे दे प्रकाश के बारे में जब हम बात करते हैं तो समतल दर्पण द्वारा बनाए प्रतिबिंब के लक्षणों की बात करें तो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देती है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है ये आप देख सकते हैं इसके अंदर भी और इसके अंदर भी सीधा हो बिंब बनता है और उतने ही आकार का बनता है प्रतिबिंब को हम पर्दे हुए प्राप्त नहीं करते इस कर सकते इसलिए इसको आभासी कहा जाता है समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देगा और जिसमें जिसे हम पार्श्व वयु कहते हैं लेटरल इन्वर्जन कहते हैं एम्बुलेंस इसीलिए जो है उल्टा लिखा होता है गाड़ी के फ्रंट में ताकि सामने जाने वाली गाड़ी उसको सीधा पड़े और रास्ता दे दे फिर उसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन प्रावर्तन के प्रकार की बात करते हैं मदर बोर्ट ए न्यू स्टील प्लेट फ्रॉम द मार्केट पिंकि नॉट इज दैट हर फेस वॉस क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट सी इमीडियली वेंट टू द किचन एंड स्टार्टेड सींग द फेसिज इन द ओल्ड द फेस वॉज क्लियर इज इन द न्यू प्लेट बट इन ओल्ड प्लेट इट ब्लड सो लेट्स डू डिफरेंट ऑब्जेक्ट सरफेस गिवन इन द टेबल तो जो नई प्लेट आएगी स्टील की उसमें चेहरा साफ दिख रहा है बाकी में नहीं तो उसी के ऊपर एक आधारित है न्यू प्लेट में इमेज क्या दिखेगी क्लियर दिखेगी वुडन प्लेट के अंदर नहीं दिखेगी मिरर के अंदर जो है क्लियर दिखेगी बकेट फिल्ड विद वाटर में जो है ब्लर्ड दिखेगी आपकी इसमें इमेज उसके बाद वॉल में नहीं दिखेगी और शाइनी टाइल्स के अंदर जो है ब्लर्ड नजर आएगी तो नहीं दिखेगी जहाँ पर भी है वहाँ पे नॉट विजिबल लिखना है दो में ब्लर्ड आएगा और दो में इमेज क्लियर आएगा प्रतिबिंब साफ दिखेगा आपकी नई प्लेट के अंदर और दर्पण के अंदर धुंधला किस में दिखाई देगा पानी की बाल्टी में और चिकनी टाइल्स में और नहीं दिखाई में देगा लकड़ी की टेबल और दीवार में प्रश्न उत्तर देख लेते हैं राइट द फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर तो वो हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में पढ़े हैं आपके फोर कैरेक्टरिस्टिक्स की सीधी दिखाई देती है उतनी ही दूरी पे दिखाई देती है और सेम साइज़ दिखाई देगी और उसको जो है हम पर्दे पे नहीं ले जा सकते फाइंड द लेटर्स ऑफ एलबर्टिन इज द इमेज फॉर्म लेने प्लेन मिररर पे एक्जेक्टली सेम तो ये आपका टू का आंसर है ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स ये जो लेटर्स हैं इनको आप कैसे भी मिरर में देखो सेम दिखेंगे एन इमेज दैट कैन बी ऑप्टेंड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले जा सकते इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज डैश एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड ऑफ द सेम साइज इसमें भी वर्चुअल ही आएगा आपका वट आर ल्युमिनियस ऑब्जेक्ट ये इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है इफ द लाइट इज इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लिमिनियस ऑब्जेक्ट जो वो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं उनको लिमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं सन इमिट से सोन लाइट अदर एग्जाम्पल स्टार टोर्च कैंडल एक्सेट्रा उसके बाद इसमें देख लेते हैं हम समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई चार लक्षण आप फर्स्ट जो हमारी स्लाइड का फर्स्ट था उसमें हिंदी मीडियम में वो देख लेंगे अंग्रेज़ी वर्णमाला के वो अक्षर जिनमें लिखने के प्रतिबिंब बिल्कुल उसी तरह का दिखाई देता है तो इसमें ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू और एक्स ये हमारे होंगे प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह क्या होता है आभासी समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग नजर आएगा और दीप्त वस्तु क्या होती है दो उदाहरण दीजिए ये आप यहां से लिख लेंगे यदि वस्तु द्वारा प्रकाश होती जाता है तो वस्तु को चमकदार वस्तु कहते हैं या आप लिखोगे आप दीप्त वस्तु कहते हैं उदाहरण में सूर्य और तारे हो गए बल्ब हो गए एक्सेट्रा तो उम्मीद है वर्कशीट पसंद आएगी देखने के लिए धन्यवाद